Okay. लास्ट टाइम हम यहाँ पे थे कि हमने कुछ बेसिक APIs बनाई थी और दो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे. वन इज़ टू टेक द डाटा फ्रॉम द यूज़र एंड फ्रंट एंड, और हमने फ्रंट एंड ऑब्वियसली पोस्टमैन किया था, अभी फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट नहीं किया था. ठीक है, तो हम API टेस्टिंग के लिए नॉर्मली यूज़ ही पोस्टमैन करते हैं. स्टार्टेड ऑलरेडी बिकॉज वो आज इंटरनेट नहीं चल रहा, तो मैंने मैनुअली स्टार्ट की हुई है सिस्टम की रिकॉर्डिंग. सो लेट्स गो हैड एंड ओपन अप द पोस्टमैन. हमारा एक एंड पॉइंट है प्रोडक्ट और एक एंड पॉइंट है क्रिएट प्रोडक्ट. आज हम क्या करते हैं, डिलीट प्रोडक्ट और अपडेट प्रोडक्ट. तो हमारे चार ऑपरेशंस पूरे हो जाएंगे क्रड, जो कि हमने हर केस में हर रिसोर्स के साथ करने हैं, या तो हमने क्रिएट करना है, या रीड करना है, या डिलीट करना है, या अपडेट करना है. सो लेट्स गेट बैक. ये हमारा काम हो गया, हमने इसको कलेप्स कर दिया, हमने इसको भी कलेप्स कर दिया, और यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स और बना लिए. एक को मैंने कह दिया जी, अब हमें पता है कि जब हम डिलीट करते हैं किसी चीज़ को तो हमें किस जिस प्रोडक्ट को डिलीट करना है उसकी आईडी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आईडी ही यूनिक आइटम होता है. तो हम जब हमने टू डू आइटम देखा है ना, फ्रंट एंड में टू डू लिस्ट पड़ी है ना, हमने डिलीट भी किया है, हमने अपडेट भी किया है, और हमने रीड भी किया. तो हमने ये देखा है कि हम जब अपडेट और डिलीट करते हैं तो हमें क्या साथ पास करना होता है, उस प्रोडक्ट की आईडी जिसको हमने डिलीट करना है. और अपडेट करते वक्त भी, क्योंकि हम सारों को तो अपडेट नहीं करते, तो हमें अपडेट किसी एक प्रोडक्ट को करना है, तो जिस प्रोडक्ट को अपडेट करना है उसकी आईडी साथ भेजनी पड़ेगी. मैंने आपको तीन तरीके बताए थे कि हम क्लाइंट से सर्वर पे डाटा भेज सकते हैं. उनमें से हमने एक तरीका पढ़ा है कि हम रिक्वेस्ट की बॉडी में डाटा भेज सकते हैं. दो तरीके और बताए थे, सिर्फ उनके नाम बताए थे, बताया नहीं था कि वो कैसे करते हैं. आज वो करेंगे. एक था हमारा पैरामीटर, तो दूसरा क्या था हमारा, क्वेरी स्ट्रिंग. तो आज हम पहले देखते हैं पैरामीटर्स. सबसे पहले मैंने कहा ये मेरी गेट रिक्वेस्ट होगी, और इस गेट रिक्वेस्ट में यानी डिलीट, यानी जब भी यूज़र फ्रंट एंड से डिलीट की रिक्वेस्ट भेजेगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो साथ क्या भेजेगा, आईडी भेजेगा, उस प्रोडक्ट की आईडी जिसको वो डिलीट करना चाहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. मेरा ये प्रोडक्ट यानी ये एंड पॉइंट जो था वो अब बनेगा ये गेट प्रोडक्ट, और मैं कहूँगा जी कि स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिलीट और स्लैश आईडी. यानी मेरा एंड पॉइंट ये होगा कि स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिलीट. तो मैं एंड पॉइंट को भी उसी के मुताबिक बना लूँ, स्लैश डिलीट के बजाय क्या करूँ, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिलीट. अब जब फ्रंट एंड से यूज़र जिस प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहेगा उसे ये पैरामीटर में भेजेगा, इसे हम कहते हैं यूआरएल पैरामीटर. जो भी डाटा हम यूआरएल के जरिए भेजते हैं, हमने इससे पहले डाटा भेजा तो वो किस में भेजा, बॉडी में भेजा. आज मैं दूसरा तरीका पढ़ाने लगा हूँ कि हम डाटा भेजेंगे कैसे, थ्रू यूआरएल पैरामीटर. ठीक है, अब जब भी हम कोई डाटा यूआरएल के पैरामीटर में पास करते हैं, तो आपने फ्रंट एंड की राउटिंग पढ़ी है कि हम इसको किसी वेरिएबल में सेव करते हैं, और वो वेरिएबल हमने फ्रंट एंड की राउटिंग में कहा कि हम उस वेरिएबल को यहाँ, यानी फ्रंट एंड की राउटिंग में ये पढ़ा ना कि हम जब भी कोई भी चीज़ ब्राउजर के यूआरएल में भेजेंगे तो उस यूआरएल में भेजे जाने वाली चीज़ को कैसे रिसीव करेंगे, राउट में ऐसे कॉलन के साथ कोई भी वेरिएबल, ये नाम कुछ भी हो सकता है आपकी चॉइस का. क्योंकि मैं आईडी भेज रहा हूँ तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, आईडी, दैट मेक्स मोर सेंस, अदरवाइज नाम कुछ भी दे सकते हैं आप. तो अब मेरा ये राउट क्या बनेगा कि स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिलीट, दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम बट दिस थिंग विल चेंज. और ये आईडी जब भी जिस प्रोडक्ट को भी मैं डिलीट करूंगा उसी प्रोडक्ट की आईडी साथ भेजूंगा. तो ये एक काम बन गया मेरा, मतलब मेरा राउट बन गया. इस राउट के बाद अब मैं रेडी हूं. अच्छा, अब अगली बात कि चूंकि मैं गेट रिक्वेस्ट भेजता हूं या भेजूंगा या भेजने लगा हूं, तो गेट रिक्वेस्ट जब भी हम भेजते हैं तो बॉडी में डाटा नहीं भेज सकते. बॉडी में डाटा कब भेजते हैं, जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, गॉट इट, या पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं या पुट रिक्वेस्ट करते हैं, यानी अपडेट के लिए या डिलीट के लिए, सॉरी अपडेट के लिए या क्रिएट के लिए.
तो जब भी हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो गेट रिक्वेस्ट में हम डेटा कैसे भेजते हैं, यूआरएल के थ्रू भेजते हैं। अब यूआरएल में ही दो ऑप्शन हैं, एक पैरामीटर्स और एक क्यूरी स्ट्रिंग। तो पहले हम किसको पढ़ रहे हैं, पैरामीटर्स को पढ़ रहे हैं। तो जब हम पैरामीटर्स में डेटा भेजेंगे तो फिर हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट, हमने कहा था कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी हो सकता है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी भी हो सकता है और रिक्वेस्ट डॉट पैराम भी हो सकता है, क्योंकि हमने आर ई क्यू रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को जब कंसोल करके देखा था तो हमने देखा था कि हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ रही थी वहाँ पे। तो मैं रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स करूँगा इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और मैं सिर्फ कंसोल करके इसे चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास जो मेरा एक्सपेक्टेड डेटा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। सो लेट मी डू दैट, और फॉर द टाइम बींग मैं रिस्पॉन्स सेंड नहीं करूँगा तो रिक्वेस्ट क्या रहेगी, हॉल्ट रहेगी। ठीक है, सो अब मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि क्या रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो लेट्स कम बैक हेयर। अच्छा, इसको हम चूंकि इसके बाद कर रहे हैं तो हम ताकि वो एक सीक्वेंस में चले। अब मैं इसे npm स्टार्ट 8 विल रन द सर्वर। Connected to the DB, server is connected. Now come back, और मैं यहाँ से डेटा भेजूँगा उसी तरह slash product slash delete. तो ये किस route को hit करेगा, slash product slash delete और साथ में ID, और ये ID मैं साथ भेज रहा हूँ, अभी कुछ भी dummy ID भेज रहा हूँ। ठीक है, so if I now hit, तो मैं expect कर रहा था मेरी request halt रहेगी कि मैंने response नहीं send किया, लेकिन console पे आऊँगा तो मेरे पास एक object मिल गया जिसमें मुझे क्या मिल रहा है, आईडी, और ये वही आईडी मिल रही है जो मैं यहां से पास कर रहा हूं। Got it? तो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ पासिंग डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर थ्रू यूआरएल पैरामीटर्स। अच्छा, नॉर्मली अभी हमने एक वैल्यू भेजी, सो वी कैन सेंड मल्टीपल वैल्यूज लाइक दिस। स्लैश के साथ आप जितनी मर्जी वैल्यूज एंटर करके भेजना चाहें वो भेज सकते हैं, और ये सारी वैल्यूज आपको कैसे मिलेंगी, यहां पर इसी तरह आप वन कर दें, फिर इसी तरह आप टू कर दें, तो ये जितने भी यूआरएल के वेरिएबल्स होंगे ये आपको एज एन ऑब्जेक्ट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, एज एन, यानी ये यूआरएल पैरामीटर्स को एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिटर्न करता है। अगर आप यहां पे देखें तो मैंने आईडी पास की, तो आईडी मुझे किस फॉर्म में मिली, ऑब्जेक्ट में की वैल्यू फॉर्म में मिली। तो ऑब्जेक्ट की की कौन सी चीज बनी जो मैंने यहां वेरिएबल नाम रखा था, और वैल्यू कौन सी जो मुझे रिक्वेस्ट से रिसीव हुई। क्लियर, तो हम इस ऑब्जेक्ट से आईडी की वैल्यू को निकाल के यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। तो अगर मोर देन वन होंगी तो ये सारे ऑब्जेक्ट के क्या हो जाएंगे, आईडी इक्वल्स टू दिस कॉलन दिस, आईडी वन कॉलन दिस, आईडी टू कॉलन दिस, तो जितना मर्जी हम डेटा यूआरएल से पास करना चाहें कर सकते हैं। सो नॉर्मली हम इसको इसी एक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आईडी वगैरह रिसीव करनी हो, समथिंग लाइक दैट। अब मैंने यहां पे सॉरी इसको कंसोल करके मैंने देख लिया कि मुझे मिल रही है, तो मैंने यहां पे क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स को, या इसमें से मैंने क्या निकाल लिया, कॉन्स्ट आईडी, और ये आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या चाहिए, तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स क्या देगा, ऑब्जेक्ट, तो उसमें से डिस्ट्रक्चर करके मैंने क्या निकाल लिया, आईडी निकाल ली। करेक्ट, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, कोई एक आइटम डेटाबेस से डिलीट करना है, लेकिन जो डिलीट करना है वो कौन सा करना है, जिसकी आईडी यूजर भेजेगा। तो हम कोई वैलिड आईडी भेज के देखते हैं, मिसाल देते हैं, ये मेरे पास ये एंड पॉइंट है जो मुझे सारे डेटाबेस में सेव्ड रिकॉर्ड देगा फेच करके, दो ही हैं, दो दे दिए उसने मुझे। अब मैं इसमें से ये वैलिड आईडी है ना, मैं इसमें से ये आईडी पिक करके यहाँ पे भेजूंगा कि ये वाला प्रोडक्ट बीच में से क्या कर दो, डिलीट कर दो, और ये वाला प्रोडक्ट इसका क्या है जी, टेस्ट डिस्क्रिप्शन 6 और टेस्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 6। अभी मैं इसे डिलीट तो नहीं कर सकता, बिकॉज अभी मैं करूंगा तो मुझे कंसोल पे क्या मिलेगा, आईडी मिलेगी, बल्कि कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज मैंने कंसोल हटा ही दिया यहाँ से। तो लेकिन इस आईडी में ये आईडी रिसीव हो जाएगी जिसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। ठीक, अब डिलीट कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं यही काम करूँगा जो यहाँ मैंने गेट में किया है कि अब मैं जब करता हूँ ना,
फाइंड का ऑब्जेक्ट मुझे क्या देता है, डेटाबेस में मौजूद तमाम रिकॉर्ड्स। तो मेरे पास एक और फंक्शन मौजूद है बिल्ट इन, जैसे फाइंड है वैसे ही, प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी। क्लियर, बिल्ट इन फंक्शन है मोंगूज का। फाइंड बाय आईडी के अंदर मैं क्या पास करूंगा, सिर्फ आईडी, और कौन सी आईडी, जो मुझे ब्राउजर से के यूआरएल से मिली है, और ये मुझे एक ही प्रोडक्ट रिटर्न करेगा क्योंकि आईडी तो यूनिक होती है ऑब्वियसली। तो मैं इसे प्रोडक्ट्स के बजाय क्या कर देता हूँ। अब मुझे फ्रंट एंड से जो पैरम्स के जरिए आईडी मिलेगी, मैंने वो एक वेरिएबल में सेव कर ली, और फिर मैंने प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी वो आईडी पास की जो मुझे यहाँ से मिली पैरम से, और उसके अगेंस्ट मुझे वो प्रोडक्ट रिटर्न करेगा जिस प्रोडक्ट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक, इसको आप प्रोडक्ट में रिसीव करें और फिर इसके साथ लिखें प्रोडक्ट डॉट रिमूव, बिल्ट इन फंक्शन है मोंगूज का। ठीक, प्रोडक्ट रिमूव, इस प्रोडक्ट में क्या पड़ा होगा, वो प्रोडक्ट जो इस आईडी के बेस पे सेलेक्ट होकर डेटाबेस से आया होगा, और फिर मैंने उसी प्रोडक्ट के ऊपर क्या फंक्शन कॉल कर दिया, रिमूव। ये कहां से रिमूव करेगा, मोंगो डीबी से। अब अगर ये रिमूव हो गया तो मैं इसको ये चेक कर लेता हूं, इफ अगर ये रिमूव हो गया तो क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसमें मैं ऑब्जेक्ट में मैसेज प्रोडक्ट हैज बीन डिलीटेड, और अगर ये नहीं हुआ तो क्या करे, else response dot json could not be deleted, try again or something like that, whatever the message। अब मैंने सर्वर को देखा कि कोई क्रैश तो नहीं आया, सर्वर चला ठीक चल रहा है, और अब मैं इस वैलिड प्रोडक्ट को अभी तक देखें, मैं गेट ऑल प्रोडक्ट करूंगा तो डेटाबेस में जितने प्रोडक्ट हों यहाँ लिस्ट हो रहे हैं। अब मैं एक को डिलीट करने लगाऊँ, ठीक, इफ आई क्लिक ऑन दैट प्रोडक्ट हैज़ बीन डिलीटेड, और अब अगर दोबारा डेटाबेस से मैं गेट की रिक्वेस्ट करूंगा तो वो एक डिलीट हो गया, जो रिमेनिंग था वो आ गया। और अगर मैं इसकी भी आईडी कॉपी करके यहाँ पे भेजूँ और मैं कहूँ कि डिलीट दिस एज वेल, तो उसने मुझे क्या किया, प्रोडक्ट हैज़ बीन डिलीटेड, और अब अगर मैं गेट करूं तो मेरे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा, ये एम्प्टी एरे आएगी कि जी आपका कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। मैं दोबारा क्रिएट कर देता हूं, बॉडी में मेरा ऑलरेडी रिस्पांस बना हुआ है, तो मैं टेस्ट प्रोडक्ट वन कर देता हूं इसको, और इसको टेस्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वन कर देता हूं, इसकी प्राइस 212 कर देता हूं। तो ये मुझे क्या कह रहा है जी, डेटा हैज़ बीन सेव्ड, गेट रिक्वेस्ट करें, तो एक आइटम आ गया, एक दूसरा भी आइटम क्रिएट कर लें, तीन चार क्रिएट कर लेते हैं, दो दो, डेटा हैज बीन सेव्ड, तीन तीन, डेटा हैज बीन सेव्ड, यहां पे जाके गेट रिक्वेस्ट करें, तीन प्रोडक्ट्स आ गए। अब इनमें से कोई डिलीट करें तो डिलीट हो जाएगा, ऐड करें तो ऐड हो जाएगा, और गेट करें तो ऑल गेट हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात, नहीं मल्टीपल डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो जब हम यूआई बनाएंगे तो हम मल्टीपल सेलेक्ट करके फिर हम अरेज ऑफ आईडीज भेजेंगे। अब हम यहाँ कर सकते हैं कॉमा के साथ तीन चार पाँच छः आईडीज भेजें और उन छः के छः आईडीज को डिलीट कर दें। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे अगर आपने ईमेल चेक किया तो वहाँ चेक बॉक्स लगे होते हैं, जितने चेक बॉक्सेस पे क्लिक करें ऊपर से जाके डिलीट मार दें तो, लेकिन अभी हम जाहिर है इतना बड़ा जंप तो नहीं ले सकते ना, वी हैव टू गो अप ग्रेजुअली। क्लियर होगी बात, तो अब हमने क्या करना है, अपडेट करना है, और फॉर अपडेट ये भी हमारा कंप्लीट हो गया डिलीट वाला, सो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और हमारा अपडेट का फंक्शन भी बना देता हूँ। सो सबसे पहली बात, अपडेट के लिए हमें जो HTTP रिक्वेस्ट टाइप चाहिए कौन सी है,
गेट के लिए गेट, पोस्ट के लिए पोस्ट, आई मीन डेटा पोस्टिंग के लिए, और डिलीट के लिए। अच्छा यहाँ पे एक और बात, डिलीट के लिए HTTP की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भी अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हैं, बल्कि ये करें ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाके रिक्वेस्ट टाइप डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है। एनीवेज, सो नाउ वो मैं याद ही नहीं रहा कि उसको कर दिया मैंने, गेट ही कर दिया। बट अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट, और अपडेट भी ऑब्वियसली किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को करना है ना, ठीक। तो इसी तरह ये मैं पैरामीटर्स में आईडी भेजूंगा, लेकिन इस पूरे प्रोडक्ट की किस चीज़ को अपडेट करना है, टाइटल को करना है, डिस्क्रिप्शन को करना है, प्राइस को करना है। तो इसका मतलब यह है कि अपडेट के वक्त मुझे जो डेटा है वो बॉडी में भेजना पड़ेगा, और जो आईडी है वो किस में भेजनी पड़ेगी, पैराम्स में भेजनी पड़ेगी, क्लियर। तो लेट मी मेक द एंड पॉइंट फॉर द अपडेट फर्स्ट, इसी को कॉपी करता हूँ और एक एंड पॉइंट बना लेता हूँ, और इसको मैं डिलीट की जगह क्या कर देता हूँ, अप डेट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पुट, और इसकी बॉडी में आके जैसे पोस्ट की बॉडी थी ना, यहाँ से मैं ये करता हूँ कॉपी, और इसकी बॉडी में आके रॉ में आके जेसन में आके ये हम आईडी नहीं देते, क्योंकि आईडी डेटाबेस जनरेटेड होती है, ऑटोमेटिक जनरेशन होती है, हम उसको अपडेट नहीं कर सकते, ना करते हैं नॉर्मली। अब मैं सपोज करता हूँ कि मेरा ये वाला वैलिड प्रोडक्ट है, यानी इस आईडी पे जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। तो पहला क्या है, टेस्ट प्रोडक्ट वन, तो अपडेशन के वक्त मैं क्या दे रहा हूँ, आईडी दे रहा हूँ, और टेस्ट सॉरी ये टेस्ट प्रोडक्ट वन है ना पहला, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, टेस्ट अपडेटेड प्रोडक्ट और टेस्ट अपडेटेड डिस्क्रिप्शन, और इसकी प्राइस दे देता हूँ मैं 600, क्लियर। तो ये मैंने एंड पॉइंट बना लिया अपडेट का, किस प्रोडक्ट को अपडेट करना है उसकी आईडी पैराम्स में, और क्या चीज़ अपडेट करनी है, मैंने तीनों चीज़ों अपडेट कर दी हैं। आपको एक भी कर सकते हैं कि सिर्फ टाइटल में अपडेट है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में अपडेट है, या सिर्फ प्राइस में अपडेट है। मिसाल के तौर पे रियल टाइम पे किसी स्टूडेंट का नाम गलत एंटर हो गया, तो नाम कैसे करेक्ट करेंगे आप, एडिट करेंगे, और उस एडिट के बाद उसका नाम करेक्ट एंटर करके फिर सबमिट करेंगे, तो उसका अपडेट हो जाएगा नेम। तो आप चाहे तो उसका फादर नेम नेम सब कुछ अपडेट कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ नेम अपडेट करें या कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट एंड मतलब रिक्वेस्ट रेडी होगी, लेकिन ये रिक्वेस्ट जब रेडी हो गई तो बैक एंड पे भी तो हमें अपडेट में आईडी तो रिसीव होगी जी, ठीक है। अब जैसे ये फंक्शन है ना कि फाइंड बाय आईडी, तो इसी तरह एक और बिल्ट इन फंक्शन है, इसीलिए हमने मोंगूज यूज किया था, सारे काम हमारे सन फंक्शन अवेलेबल है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अब ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, पहला आर्ग्यूमेंट क्या लेता है आईडी, और दूसरा क्या लेता है वो अपडेटेड ऑब्जेक्ट। तो आईडी तो मुझे मिल रही है, तो ये तो मैं पास कर दूं यहाँ आईडी, लेकिन बॉडी कहाँ से आएगी, तो आप यहाँ पे एक और वेरिएबल लें कॉन्स्ट, और बॉडी इक्वल्स टू वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेगा, बॉडी में मिलेगा, ठीक है, क्लियर। और इस बॉडी को उठा के आप ये काम कर दो। अब मैंने ये कहा कि प्रोडक्ट के स्कीमा पे, अब ये सारे फंक्शन किस पे चल रहे हैं, स्कीमा पे चल रहे हैं, ये प्रोडक्ट स्कीमा का नेम है। मैंने कहा जी फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और ये कहा कि इस आईडी वाली डेटाबेस में जाके ये आईडी फाइंड करो, और उसकी जो जो उसका डेटा है उसमें उसको इसके साथ रिप्लेस कर दो, यानी अपडेट कर दो, क्लियर। अब अगर ये अपडेट हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैंने कहा कि इफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट हैज बीन अपडेटेड अदरवाइज प्रोडक्ट कुड नॉट बी अपडेटेड, ट्राई अगेन, क्लियर, दैट्स इट। नाउ इफ यू गो अहेड, और अब ये देखें
टेस्ट प्रोडक्ट अपडेट के नाम से या अपडेटेड के नाम से हमारे पास डेटाबेस में कोई प्रोडक्ट नहीं है। टेस्ट प्रोडक्ट टू, टेस्ट प्रोडक्ट थ्री, टेस्ट प्रोडक्ट अपडेटेड के नाम से कोई भी नहीं है। तो इनमें से अब नई एंट्री नहीं आएगी, एग्जिस्टिंग वाली क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। और अपडेट कौन सी होगी ये भी बता रहा हूँ, जिसके एंड पे C238 है, C238 पहले वाला अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी, प्रोडक्ट हैज बीन अपडेटेड। और अब अगर मैं दोबारा फेच करूं तो C238 में टेस्ट प्रोडक्ट, टेस्ट अपडेटेड प्रोडक्ट और टेस्ट अपडेटेड डिस्क्रिप्शन और 600 या 690 उसकी प्राइस। तो इजन इट वेरी सिंपल कि हमने ये कर दिया जी, चार एंड पॉइंट्स बना लिए और चारों एंड पॉइंट के अगेंस्ट हमें वो मिल भी गया। अब हम फॉर एग्जांपल जब होम पेज पे आते हैं तो हम सारे के सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट शो करते हैं, फिर हम किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो अगले पेज पे जाके उस प्रोडक्ट की डिटेल भी आती है। तो वो सिंगल गेट सिंगल प्रोडक्ट के लिए भी तो राउट होना चाहिए ना, ताकि हम आईडी भेजें, जो आईडी भेजें उस आईडी के अगेंस्ट एक प्रोडक्ट रिटर्न करें। अभी तो हमारे पास ये राउट है कि वो क्या रिटर्न कर रहे हैं, सारे के सारे अवेलेबल प्रोडक्ट्स जो डेटाबेस में क्रिएट हुए। सो नाउ क्रिएट, इसको भी आप यहाँ कह लें और इसको आप कह लें स्लैश प्रोडक्ट स्लैश आईडी। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, ठीक, तो मैं सिंपली फाइंड के अंदर आईडी डाल दूंगा और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को मैं वापस जेसन में यूं थ्रो कर दूंगा, दैट्स प्रीटी मच इट। अब मैं स्लैश प्रोडक्ट स्लैश आईडी दूंगा तो जिस प्रोडक्ट की आईडी दूंगा मुझे वही प्रोडक्ट रिटर्न होगा। क्लियर है बात? या यूं कर दें स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश सिंगल स्लैश आईडी, ठीक है। सो आप इसको फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं एक और एंड पॉइंट बना रहा हूं जिसको मैं क्या नाम दूंगा, दिस है ये गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव पुट इट गेट रिक्वेस्ट। मैंने क्या बोला, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश सिंगल स्लैश आईडी। इफ आई नाउ हिट इट, समथिंग वेंट रॉन्ग, सो लेट मी डू दैट, लेट मी चेक व्हाट वेंट रॉन्ग। वो मुझे कह रहा है कि ओके, हम फाइंड में डायरेक्ट इस तरह आईडी पास नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेयर इज दैट, ये हमें यू पास करना पड़ेगा, आईडी आईडी। डेटाबेस में जो आईडी का कॉलम है वो ये है, कैसे, देख रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं कि डेटाबेस में आईडी अगर उस आईडी के बराबर है जो मैं रिसीव कर रहा हूं यहां पे, अब यहां पे मैं आईडी को रिसीव ही नहीं कर रहा, सो मैं इसको भी कर रहा हूं कॉन्स्ट आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, वही काम जो नीचे किया है, ठीक। इफ आई नाउ कम बैक, सर्वर दोबारा स्टार्ट हो गया और वापस आऊंगा इधर तो मुझे वो सिंगल प्रोडक्ट मिल गया। अब ये कौन सा प्रोडक्ट मिला, टेस्ट अपडेटेड प्रोडक्ट। अगर मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट की आईडी देता तो जिस प्रोडक्ट की आईडी दूंगा मुझे वही प्रोडक्ट रिटर्न होगा आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट टू टेस्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। क्लियर? सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्रड ऑपरेशंस फॉर अ वन सिंगल रिसोर्स। और हमारा रिसोर्स कौन सा है, प्रोडक्ट। और ये आपके जितने एंड पॉइंट्स है ना, आप जितनी चीजें सर्वर पे बनाएंगे ना, ये पांच एंड पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे। यानी इफ यू आर स्टोरिंग द स्टूडेंट्स रिकॉर्ड इनटू द डेटाबेस तो आपको क्या चाहिए होगा, गेट ऑल द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द डेटाबेस,
गेट वन सिंगल स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, गॉट इट। फिर आप इंस्ट्रक्टर या व्हीकल, गेट ऑल व्हीकल्स, गेट सिंगल व्हीकल बाय आईडी, क्रिएट न्यू व्हीकल, डिलीट व्हीकल, अपडेट व्हीकल या कार जो भी उसको नाम दे दें। इसी तरह इंस्ट्रक्टर, क्रिएट इंस्ट्रक्टर, गेट ऑल इंस्ट्रक्टर्स, गेट सिंगल इंस्ट्रक्टर, अपडेट इंस्ट्रक्टर, डिलीट इंस्ट्रक्टर। यानी अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया ना आज तक, अभी तक का जो हमने बोला या किया, तो आपको बाकी जितने भी काम करेंगे उन सब के लिए यही लॉजिक, यही एंड पॉइंट्स और यही चीज़ें चाहिए होगी। कितने स्टेप्स चाहिए होंगे? तीन। डेटाबेस कनेक्टिविटी वन टाइम पूरी एप्लीकेशन के लिए वो हो गई है, अब आपको स्टेप्स कितने चाहिए? नंबर वन, क्रिएट स्कीमा। नंबर टू, क्रिएट एंड पॉइंट्स। दो ही स्टेप्स हैं बस, स्कीमा क्रिएट करें, मॉडल क्रिएट करके एक्सपोर्ट करें और एंड पॉइंट्स। तीन स्टेप बना लें इनको या चार स्टेप बना लें, दैट्स प्रीटी मच इट। कोई मसला मसाइल? बॉडी देंगे, उस बॉडी में लिख बेशक सिर्फ टाइटल ही दे, तो वो सिर्फ टाइटल को छेड़ेगा बाकी किसी चीज को। और अगर आप ये चाहते हैं कि एक फील्ड को अपडेट करना है तो उसके लिए एक और फंक्शन भी अवेलेबल है, पैच का। ये पैच भी अपडेट करता है। और ये पता क्या करता है? अगर आप पूरे बॉडी को अपडेट नहीं करने चाह रहे, एक फील्ड को अपडेट करना चाह रहे, फिर आप पैच यूज कर सकते हैं। इट्स नाम से ज्यादा, जैसे आप एक पैच लगा रहे हैं किसी कपड़े को, आप लेट सपोज अगर कोई कहीं थोड़ा सा वो हो जाए प्रॉब्लमेटिक, तो आप उसको पैच लगा के जोड़ देते हैं, तो आप इसका मतलब पूरा कपड़ा रिप्लेस नहीं करते बल्कि इट्स जस्ट लाइक दैट। क्लियर है? बहुत है आज के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में आपने पिछला काम भी नहीं किया आपके आपसे, तो इसको आप कंप्लीट करें तो फिर कल हम आगे चलेंगे। क्रड ऑपरेशन आपके कंप्लीट हैं, अब हम कल ज़्यादा फोकस करेंगे। अब ये देखें, अभी पांच एंड पॉइंट्स हैं, अगर मैं इन सारों को एक्सपेंड कर दूं तो एक मैस नहीं क्रिएट हो गया, एक खिचड़ी सी बन गई। तो फ्यूचर में जब आप इसको देखेंगे, लेट सपोज अभी तो आपने एक रिसोर्स बनाया सिर्फ प्रोडक्ट्स का, आपके केस में यूज़र होगा, कार्स होंगी, इंस्ट्रक्टर्स होंगे, अटेंडेंस होगी, तो ये तो पूरा मैसअप क्रिएट हो जाएगा इसे एक सर्वर की फाइल में। तो कल हम इन सारी चीज़ों को सेपरेट करेंगे, अलग अलग फाइल्स में लिखेंगे और फिर सारों को इम्पोर्ट करेंगे सर्वर के अंदर।